नमस्कार, मैं गीता वर्मा। खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको खोज खबर की वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। राजू सोलंकर जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, इन्होंने सांसद बस्ती के जो हैं उनके खिलाफ आरटीआई डाली। इनके क्या विचार है? आरटीआई तो डाली उनकी। मैडम, मैं भी बस्ती ज़िले का ही रहने वाला हूँ। काफ़ी टाइम से जो है वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों से और लोगों के से जो है फ़ोन, मैसेज, व्हाट्सएप पे सब सारी चीज़ें जो है आ रही हैं कि बस्ती ज़िले के गांव में जो है विकास नहीं हो पा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग जो है वीडियो बनाकर फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप, फेसबुक और सब सारी चीज़ें जो है डाले हैं। तो मुझे ये सब देख करके यकीन नहीं हो पा रहा था कि ऐसा होगा, क्योंकि हमारे जो है बस्ती ज़िले के सांसद माननीय हरीश द्विवेदी जी जो है उन्होंने सांसद बनने से पहले जो है ये सब सारे चीज़ें जो करने के लिए एक वादा किया था कि हम सारे बस्ती ज़िले में जितने भी गांव हैं सब सारी चीज़ें हैं, बिजली, नाली, सड़क, सब सारी चीज़ें जो हैं हम ये सब सारी चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये सब सारी बात सुनकर मुझे जो है यकीन बिलीव नहीं हो पा रहा था। जब मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे और सब सारी चीज़ें जब देखा मैंने कि बस्ती ज़िले के ही क्षेत्र से जो है गांव के और सब और कई कस्बा है वो सब सारी क्षेत्र से जो है वीडियो सब सारी चीज़ें आ रही हैं, तब मुझे थोड़ा कुछ वो है कि वाकई में ये बात सच है या नहीं। इसलिए मैंने जो है पार्लियामेंट में आरटीआई लगाई कि उस ये आरटीआई है और वहाँ से दूसरे या तीसरे दिन जो है पार्लियामेंट को आरटीआई लेटर रिसीव हो चुकी है। जो पार्लियामेंट ने ये लेटर मुझे भेजे हैं कि आपका लेटर रिसीव हो गया, जल्द ही है आपको जो है कार्रवाई आरटीआई पे आपका जो भी जवाब है आपको दिया जाएगा। तो सर, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो आपको ये चीज़ करनी पड़ी? अब मैडम, मैं भी उसे ज़िले से हूँ, इसलिए थोड़ा ये जानकर बड़ा अफसोस होता है कि हमारे ज़िले में जो है इस तरह से जो है विकास नहीं हो पा रहा है लोग, इस वजह से मुझे जान के थोड़ा अफसोस होता है, इसलिए मैंने ये सब सारी चीज़ें जो है की है। जब एक समाज में लोग अपना एक कीमती वोट डालते हैं तो कुछ उम्मीदें होती हैं उन लोगों को, जब उन उम्मीदों पे ये पानी फिरता है सर, तो बहुत दुख होता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इसीलिए है मैम कि इसीलिए मैं आरटीआई लगाया हूँ कि जो है जो भी प्रॉब्लम सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब सारी सामने चीज़ें आएँ, ठीक है, ताकि उनको पता चले ये सब सारी बातें, ठीक है, और उस गांव का, उस गांव विलेज, ग्रामीण क्षेत्र और जो कस्बे हैं सब सारी वहाँ का विकास हो। मेरे साथ हैं ब्रिजेश पांडे जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। आइए बात करते हैं ब्रिजेश पांडे जी से। यस हाँ मैडम, हम लोगों ने एक आरटीआई फाइल की है माननीय सांसद जो कि बस्ती ज़िले से हैं लोकसभा सेक्रेटरीट में, और वी आर आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस कि आपने जो सांसद निधि की जो फंड भारत सरकार से रिसीव किया उसके आप अपने एरिया में कैसे यूटिलाइज किए हो।
ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव रिसीव सेवरल कंप्लेन। मैंने अपने एरिया के बहुत सारे लोगों से शिकायतें प्राप्त की थी, उस शिकायतों के निवारण के लिए हमने आरटीआई फाइल किया था। आरटीआई की रिस्पांस हमें मिल गया है, और अगर हमें ये आरटीआई की रिस्पांस में पॉजिटिव मिलता है कि इन्होंने सांसद निधि के फंड को गलत प्रयोग किया है या एरिया के विकास में यूज नहीं किया है, तो हम इसमें जो भी सर्टेन एज पर ला जो हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है वी आर गोइंग टू रिजॉल्व इट एंड आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन आई सॉट। ये मेरा है आरटीआई जो हमारे लर्नेड फ्रेंड ने फाइल किया। गलत पाए जाते हैं तो उस पर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी आगे? गलत पाए जाते हैं दैट वी रिसीव द सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी। हम अपने जो अंडर सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरी का है एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, अगर ये इंफॉर्मेशन हमारी सही सही मिल जाती है तो वी हैव ए रेमेडी टू फाइल द पिटीशन बिफोर द एनी कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ एंड सर्टेनली वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द वट एवर रेमेडी अवेलेबल बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ द ऑनरेबल लोकसभा। समाज में लोगों को क्या संदेश देंगे? यही देना चाहेंगे कि कोई भी सांसद जो आपसे वोट लेता है आपके एरिया में सांसद निधि का सही से फंड लो एरिया को डेवलप करने के लिए नहीं लगाता है तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड सॉर्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी एंड फाइल द पिटीशन आल्सो। तो कैसे कंसल्ट करेंगे आपसे, आपका कोई वेबसाइट नंबर? हमने अपना जो है फेसबुक पे और सब सारी चीज़ें लोग जो है उस पर सब सारी चीज़ें नंबर जो है मोबाइल नंबर वो सब डाल दिए हैं। कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे ये तो बताइए। मोबाइल है, मोबाइल नंबर है, प्लस जो है जब हमें यहाँ से जब वैकेशन वगैरह आएगा तो वहाँ पे जाकर हम लोगों से संपर्क भी करेंगे, ठीक है, कि इस तरह से क्या क्या वो है, क्या क्या प्रॉब्लम है, सारी बातें वो वहाँ के क्लियर करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।